भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान बताया कि कुछ विपक्षी दल विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के समय बहुत सारे इशू उठाते हैं, हालांकि जनता इनको कोई महत्व नहीं देती। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकारें चलाई हैं, जनता बहुत खुश है और उनके साथ हैं। आइए देखते हैं मंत्री जी ने पूरा और क्या क्या बताया। ...2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं। और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किनके साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। मैं यही कहूँगा, चाहे रफाल हो, सीए हो या ऐसे बाकी मुद्दे कभी भी उठाए हों, जनता ने ना कभी उनको स्वीकारा है। जिस ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने देश और प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, जनता भलीभांति जानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हम देश और प्रदेश में काम करते हैं।